मदनपुर गांव में दीनानाथ नाम के एक पंडित जी रहा करते थे। दीनानाथ भगवान शिव के परम भक्त थे। वे अपना अधिकतर समय भगवान शंकर के मंदिर में व्यतीत किया करते थे और भगवान शंकर से उनका इतना अधिक प्रेम था कि वो किसी न किसी बात पर भगवान शंकर से रूठ भी जाया करते थे। दीनानाथ जी की पुत्री आनंदी बड़ी हो गई थी। उनकी पत्नी उमा को आनंदी के विवाह की चिंता थी। वो जब भी विवाह की बात करती तो पंडित जी हमेशा यही कहते, अरे उमा चिंता मत करो, भगवान शिव सब प्रबंध कर देंगे। आनंदी हमारी नहीं भगवान शिव की पुत्री है और उन्हीं के आशीर्वाद से हुई है। भगवान शिव सब संभाल लेंगे, तुम समय तो आने दो। ठीक है, जैसी भगवान भोलेनाथ की इच्छा। कुछ समय पश्चात आनंदी का रिश्ता एक संपन्न परिवार में तय हो गया। अब समय आने लगा। उमा ने देखा दीनानाथ जी रोजाना ही कह देते थे कि सब हो जाएगा, पर अभी तक विवाह की कोई भी तैयारी नहीं हुई थी। सुनो जी, दो दिन बाद आपकी पुत्री का विवाह है, पर अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। मैं आपको इतने दिनों से सचेत करती आ रही हूँ कि पुत्री का विवाह है, कुछ तो सामान इकट्ठा कर लो, कुछ थोड़ा बहुत पैसा तो कर्ज में ले लो, आपको लोग दे भी देंगे, पर आप मानते ही नहीं हो। उमा मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे किसी से पैसा मांगना पसंद नहीं है। मैं परमात्मा के आश्रित हूँ, मैं अपने भगवान शिव से जिद करके सब कुछ मांग सकता हूँ। संपूर्ण जीवन में तुमने देखा है ना, तुमने जो जो कागज पर मुझे लिख कर दिया है मैंने भगवान के श्री चरणों में रखा और भगवान शंकर ने हमारी सारी मनोकामना पूर्ण की है, तो अब क्यों चिंता करती हो। अभी भी तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता है मुझे लिख कर दो, भगवान शंकर स्वयं पूर्ण करेंगे। अरे खाने पीने की चीजों की बात अलग है, वो तो कोई भी भक्त दे जाता है, पर इस समय कन्या के विवाह के लिए दहेज की आवश्यकता है। उसमें सोना भी लगेगा, वस्त्र भी लगेंगे, अन्य पदार्थों की भी आवश्यकता पड़ेगी, कौन देकर जाएगा। भाग्यवान तुम फिर चिंता कर रही हो, जब मैंने तुम्हें कहा है ना भगवान शंकर जी सदा मेरे साथ हैं, फिर क्यों चिंता करती हो। तुम मुझे कागज पर लिख कर दे दो। शुरू से ही पंडित जी कागज पर लिखवा कर सामान ले जाते थे और मंदिर में भगवान शंकर के समक्ष रख देते थे और वो सामान भगवान शंकर के चमत्कार से अपने आप पूरा हो जाता था। इस बार भी दीनानाथ जी को पूरा विश्वास था कि उनकी पत्नी उमा कागज पर जो भी लिखेंगी भगवान शंकर उस मनोकामना को पूरा जरूर करेंगे। उमा ने कागज में दहेज का सारा सामान लिख कर दे दिया। वैसे तो एक कागज बनता था, आज 8 कागज बनकर तैयार हो गए। दीनानाथ जी ने कागज की लिस्ट भगवान शंकर के समक्ष रख दी और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु मैंने तो आपके ऊपर सदा सच्चे मन से यकीन किया है, आपके प्रति मेरी निष्ठा भी सच्ची है, मेरा विश्वास भी सच्चा है। दो दिन बाद मेरी कन्या का विवाह है जिसके लिए दहेज की आवश्यकता है, अब आप ही इसे पूर्ण कीजिए। इस प्रकार आंखों में आंसू भरकर दीनानाथ ने कागज भगवान शंकर के नजदीक रख दिया और अपनी सेवा में व्यस्त हो गए। दीनानाथ जी तो यहाँ पर भगवान शंकर की सेवा में व्यस्त हो गए। उधर एक संपन्न सेठ दीनानाथ जी के घर पहुँचे। कहिए किनसे मिलना है। आज प्रातः काल दीनानाथ जी मेरे घर आए थे, उन्होंने कहा उनकी कन्या का विवाह है, उन्हें पैसों की आवश्यकता है। अब मैं तो दीनानाथ जी को बचपन से जानता हूँ, उनकी कन्या मेरी कन्या है। आपने जितने सामान की लिस्ट उनको बनाकर दी थी वो सारा सामान मैं लेकर आया हूँ। उमा ने सोचा कि हो सकता है ये सेठ जी मेरे पतिदेव के मित्र हों। शाम को जब दीनानाथ जी घर आए तो उमा ने उन्हें सारा सामान दिखाया और सारी बात बताई। दीनानाथ जी समझ गए कि भगवान शंकर स्वयं मेरी पुत्री के विवाह का सामान देकर गए। अपनी पत्नी की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए बोले, मैंने तुम्हें कहा था ना उमा, भोले शंकर हमारे साथ हैं, वो कभी हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रखते हैं। अब एक बात सुन लो उमा, जब तक भगवान शंकर मेरी पुत्री के विवाह में मेरे साथ नहीं चलेंगे मैं तुम्हारे साथ शादी में नहीं चलूंगा। विवाह का दिन आया पर दीनानाथ जी मंदिर में बैठ गए कि मैं भगवान को लेकर ही विवाह में जाऊंगा। तभी भगवान शंकर की मूर्ति से एक आवाज आई, दीनानाथ जाओ अपनी कन्या का विवाह करा कर आओ। अरे भगवान मैंने तो सारी उम्र आपकी सेवा की है, आपको तो पता है ना आप मेरे पिता तुल्य हैं और मैं आपसे हर बात पर जिद करता हूँ, पर आप मेरी हर जिद पूर्ण करते हो। आपको जब पता है मैं आपके बिना नहीं जा सकता हूँ तो आपको चलना ही पड़ेगा, वरना मेरा आपसे झगड़ा हो जाएगा, फिर मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। दीनानाथ की प्रार्थना सुनकर भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं। दीनानाथ मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, मैं तो सदैव तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हर जगह हूँ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। भगवान तो भक्त के वश में होते हैं, तुम विवाह में जाओ मैं पीछे पीछे आता हूँ, मुझ पर विश्वास करो। भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करके दीनानाथ अपने परिवार के साथ विवाह में पहुंचता है। तभी वह देखता है कि विवाह में वही सेठ जी सेठानी जी और बच्चों के साथ विराजमान है। पंडित जी समझ जाते हैं कि साक्षात भगवान शिव पूरे शिव परिवार के साथ विवाह में सम्मिलित हो चुके हैं।
दीनानाथ और उमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। दीनानाथ भगवान शंकर और माता पार्वती के रूप में आए उन सेठ सेठानी के हाथों से अपनी पुत्री का कन्यादान करवाते हैं। थोड़ी देर बाद जब विदाई का समय आता है तो वो सेठ सेठानी वहाँ से अदृश्य हो चुके थे। दीनानाथ जी समझ जाते हैं कि भगवान ने दीनानाथ से किया वादा निभाया और दर्शन देने विवाह में सम्मिलित हो गए। यह सच है, भगवान अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करते। भक्त उनसे जितनी मर्जी लड़ाई करे, उनसे जितनी मर्जी शिकायत करे, पर भगवान हमारे जीवन दाता है। वो हमसे कभी भी नहीं रूठते। वो तो हमारे पालनहार हैं और सदैव हमारा भला सोचते हैं और सच्चे मन से की गई प्रार्थना को स्वीकार करके सदैव हमारी रक्षा करते हैं। भोलापुर गाँव में ब्रजपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो की बहुत ही आलसी स्वभाव का था। घर में उसकी पत्नी सुनीता और बेटी गुड्डी उसके साथ रहती थी। ब्रजपाल सारा दिन खाट पर ही पड़ा रहता था। ब्रजपाल दिन भर में बस एक ही काम करता था और वो था भगवान शंकर की पूजा। वो हर रोज सुबह शाम शंकर भगवान की पूजा करता, उनके नाम की माला जपता, फिर सो जाता। अपने आलस के कारण सारा दिन सोए रहने की वजह से अक्सर ब्रजपाल और उसकी पत्नी में खटपट होती रहती। अब उठ भी जाओ जी, कितना सोओगे, चलो अब खाना खाकर खेत चले जाओ, फसल काटने का समय हो गया है। और हाँ, वापसी में आते हुए नदी किनारे लगे सरसों का साग तोड़ कर ले आना, घर में बनाने के लिए कोई सब्जी नहीं है। और हाँ, भूलना मत, नहीं तो आज खाना नहीं बनाऊंगी। अपनी बीवी की बातों को नजरअंदाज कर ब्रजपाल फिर से चादर तान कर सो जाता है। सुनीता गुस्से में लाल पीली हो जाती है। उधर कैलाश में बैठी माँ पार्वती शंकर भगवान से कहती है, हे नाथ, ये आपका कैसा भक्त है जो आपकी भक्ति के अलावा और कुछ काम नहीं करता, बस अपने आलसी शरीर के कारण खाट पर ही पड़ा रहता है, कोई कर्म नहीं करता। आपको तो ऐसे भक्त का मार्गदर्शन करना चाहिए। देवी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं, ये सारा किया इसके पिछले जन्म का है। तब ये एक आलसी गधा हुआ करता था जो सारा दिन मेरे मंदिर के बाहर लेटा रहता था। मंदिर में जब भी मेरे नाम का उच्चारण भक्तगण करते तो उसका स्रोत उसके कानों में गूंजता और उसे नींद में भी मेरा ही नाम सुनाई देता। फिर एक रोज श्रवण मास में ये चल बसा और फिर अगले चारों में इसने मनुष्य रूप में जन्म लिया। लेकिन इसके पिछले जन्म के आलसी स्वभाव ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। जब सही समय आएगा तब मैं इसे ज्ञान दूंगा। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का, ये तो फिर से लेट गए। कब से कह रही हूँ उठ जाओ, खेतों में फसल बड़ी हो गई है, अगर समय रहते उसे नहीं काटा तो उसे जानवर चढ़ जाएंगे या कोई चुरा लेगा। सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। हे शिवजी, ना जाने इनका आलस कब खत्म होगा, इनके आलस से तो मैं अब तंग आ चुकी हूँ। सुनीता लगातार बड़बड़ाए जा रही थी, लेकिन आलसी ब्राह्मण के सर पर तो जूं तक न रेंगे। वो तो बस चुपचाप अपनी खाट पर लेटा हुआ था। ब्रजपाल को न उठता देख सुनीता गुस्से में आ जाती है और बाहर आंगन में रखी पानी की बाल्टी उठाकर लाती है और ब्रजपाल के ऊपर गिरा देती है। ब्रजपाल पूरा भीग जाता है और वो गुस्से में उठकर उससे लड़ने लगता है। काफी देर तक दोनों में खूब कहा सुनी होती है। फिर वो गुस्से में घर से निकलकर शंकर भगवान के मंदिर में चला जाता है और वहां पहुंचकर शंकर जी से कहता है, हे शंकर भगवान, अपनी पत्नी की रोज रोज की झिकझिक से मैं तंग आ चुका हूँ। अगर मेरी भक्ति ने आपको प्रसन्न किया है तो मुझे आप दर्शन दीजिए प्रभु। इतना कहते ही वो जोर जोर से रोने लगता है। अपने प्रति उसका प्यार और श्रद्धा देखकर शंकर भगवान उसको दर्शन देते हैं और कहते हैं, ब्रजपाल, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, तुम सचमुच मेरे परम भक्त हो। कहो, तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए। हे प्रभु, मुझे ऐसी कोई चीज दीजिए जो मेरी हर बात माने और मेरा सारा काम कर दे। ये लो मेरा ये छोटा त्रिशूल, तुम इस त्रिशूल को जहां भी रखोगे वो अपना काम खुद ही करने लग जाएगा और काम पूरा होने के बाद ही रुकेगा। लेकिन हाँ, अगर तुमने इसे काम के लिए मना किया तो ये हमेशा हमेशा के लिए गायब होकर वापस मेरे पास आ जाएगा। भगवान शंकर उसको त्रिशूल देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। त्रिशूल देखकर ब्रजपाल ये सोचकर बड़ा खुश हो जाता है कि अब से उसे कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद वो त्रिशूल लेकर घर पहुंचता है और अपनी पत्नी और बेटी को त्रिशूल के बारे में सारी बात बताता है।
अगले दिन सुबह ही ब्रजपाल ने भगवान शंकर का नाम लेकर उस त्रिशूल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वो जैसे ही त्रिशूल को घर के बीचों बीच रखता, सारे घर में अपने आप ही सफाई हो जाती। वो जिस भी चीज पर उस त्रिशूल को रख देता, वो अपने आप काम करने लग जाता। खेतों में रख देता तो अपने आप ही सारी फसल कट जाती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक रोज जब सुनीता गुड्डी के साथ अपने मायके गई होती है, तो ब्रजपाल त्रिशूल को गैस के पास रख कर कहता है, मेरे लिए जल्दी से स्वादिष्ट सा भोजन तैयार कर दो। चूल्हे पर अपने आप कढ़ाई चढ़ जाती है और उसमें खुद ही तेल मसाले पड़ने लग जाते हैं। देखते ही देखते स्वादिष्ट पकवान बनकर तैयार हो जाते हैं, जिन्हें ब्रजपाल बड़े ही चटकारे लेकर खाता है। वाह, मजा ही आ गया। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। रोज भाग्यवान के हाथों का भोजन करके तो मैं परेशान ही हो गया था। सच में कमाल का है ये त्रिशूल। खाना खाकर ब्रजपाल आराम से गहरी नींद में सो जाता है, और फिर जब अगली सुबह जागता है तो कुएं के पास जाकर उस त्रिशूल से कहता है, जल्दी से मेरे नहाने के लिए कुएं में से पानी निकालकर इस बाल्टी में भरा जाए। कुएं में से पानी निकालना हो, पौधों को पानी देना हो, साफ सफाई, कपड़े बर्तन, सभी तरह के काम वो त्रिशूल ब्रजपाल के कहते ही कर देता। ब्रजपाल बगीचे में पड़ी पाइप के पास जाता है और अपने त्रिशूल को उससे छुआते हुए कहता है, पाइप, जल्दी से इस बगीचे में लगे पेड़ पौधों को अच्छे से पानी दे दो। पाइप अपने पौधों में पानी देने लग जाती है। फिर आलसी ब्राह्मण खुश होते हुए आराम से सोने चला जाता है, लेकिन सोने के कुछ देर बाद ही लाइट चली जाती है। फिर वो अपने त्रिशूल को हथपंखा पर रखते हुए कहता है, हे हाथ पंखे, जब तक लाइट नहीं आ जाती तुम मुझे इस पंखे से हवा करो। उसके ये कहते ही हथपंखा उसे हवा करने लगता है। कुछ देर बाद जैसे ही लाइट आती है तो वो हथपंखा बंद हो जाता है। एक दिन ब्रजपाल को बड़ी तेज भूख लग रही होती है। उसने खाली थाली अपने सामने रखी और जमीन पर बैठ गया। फिर त्रिशूल को थाली पर लगाकर कहने लगा, अब इसमें से जल्दी जल्दी स्वादिष्ट पकवान निकल कर आते जाए। कुछ ही देर में कई तरह के पकवान थाली में आते गए। कितना अच्छा होता अगर मुझे अपने आप खाना खाना ना पड़े और खुद ही मेरे मुंह में सारा खाना चला जाए। ऐसा कहकर उसने त्रिशूल को अपनी प्लेट पर लगाया और कहने लगा, अच्छे अच्छे पकवान जल्दी से मेरे मुंह में आ जाएं। उसके ऐसा कहते ही थाली में से तरह तरह के पकवान निकलकर उसके मुंह में जाने लगे और वो बड़े ही चटकारे लेकर उनको खाने लगा। पर ये मजा कुछ देर तक का ही था। कुछ ही देर में उसका पेट भर गया और वो खा नहीं पा रहा था, लेकिन पकवान थे जो कि उसके मुंह में लगातार जाते ही जा रहे थे। उसका पेट और मन पूरी तरह भर चुका था। वो जैसे ही उन्हें रोकने की बात सोचता है तो उसे भगवान शंकर की कही वो बात याद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर त्रिशूल को काम करते हुए रोका गया तो ये वरदान वहीं समाप्त हो जाएगा और त्रिशूल फिर से शंकर भगवान के पास पहुंच जाएगा। तभी वहां सुनीता गुड्डी के साथ अपने मायके से लौटकर पहुंच जाती है। वो दोनों ये सब देखकर हैरान रह जाती हैं। सुनिए जी, देखिए तो आपका पेट कितना फूलता जा रहा है, जल्दी से इस त्रिशूल को रुकने के लिए कहिए। ब्रजपाल शंकर भगवान के दिए वरदान को खोना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो थक हार कर कह ही देता है, रुक जाओ। उसके इतना कहते ही खाना रुक जाता है, लेकिन साथ ही वो त्रिशूल भी वहां से गायब हो जाता है। त्रिशूल को गंवा कर वो बड़ा ही दुखी हुआ, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। शंकर भगवान के दिए वरदान को अब वो खो चुका था। अभी तक ब्रजपाल ने जितने भी काम त्रिशूल को दिए थे वो सब कब रोकने हैं ये उसने साथ में ही बता दिया था, लेकिन खाना खाते हुए कब रुकना है ये कहना वो भूल गया था, जिस कारण खाना बिना रुके ही उसके मुंह में आता ही जा रहा था। सारी बात समझने के बाद ब्रजपाल कहने लगा, हे महादेव, मैं समझ गया, ये वरदान आपने मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था। सचमुच में मैं कितना मूर्ख था जो हर छोटे छोटे काम के लिए भी आलस दिखाता था, और अब मुझे सीख मिल चुकी है कि छोटे छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद से ब्रजपाल ने हमेशा हमेशा के लिए आलस त्याग दिया और हर रोज खेत जाने लगा, अपने सभी काम खुद करने लगा और दिन में दो बार भगवान शंकर की पूजा भी करता। अब उसका जीवन पूरी तरह से सफल हो गया।